मंगलवार को कोटा शहर के अनंतपुरा क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जानकारी के अनुसार वारदात अनंतपुरा में मंगलवार को दोपहर हुई। मृतक चतर गुजर शहर के अजय आहूजा नगर अनंतपुरा का रहने वाला था। बदमाशों ने चतर गुजर के घर पर धावा बोला। बदमाश चतर गुजर को घसीटकर घर के बाहर लाए और फिर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि चाकू के वार से चतर गुजर की मौके पर ही मौत हो गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही बदमाश वारदात कर मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस द्वारा मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए शहर में जगह जगह नाकेबंदी भी करवाई गई है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। हत्या के कारणों का अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इसके पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। अजय आहूजा नगर में चरत गुजर के यहाँ पर कुछ लड़के गए बाइक से बैठ के और उसको घर से बाहर बुलाया और उसके स्टैबिंग की, जिससे जिसको यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे लाने के बाद उसकी डेथ हो गई। अभी जाके घटनास्थल देखते हैं और भी कुछ जानकारी मिलती है तो कि वो लड़के कौन है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसकी सफियार से चाकू से आइडेंटिफाई हो मुझे उसको उसमें एक कोशिश कर रहे हैं।